गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेवल 3 क्लास 11th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर सेशन नंबर 9 ग्रीटिंग और इंट्रोडक्शन के अंदर सेशन नंबर 9 में ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एंड अदर्स टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाते हो दूसरों को, और अपने बारे में कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाते हो दूसरों को, कैसे इंट्रोड्यूस करते हो अपने बारे में, कैसे आप बताते हो। व्हेन यू आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप किसी से पहली बार मिलते हो, और इफ अदर वांट्स टू नो अबाउट यू, और जो दूसरा व्यक्ति है वो आपको जानना चाहता है, आपके बारे में पता करना चाहता है आप कौन हो, यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको अपने बारे में उसको बताना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। यू कैन डू दिस बाय टेलिंग योर नेम, सबसे पहले आप अपना नाम बताते हो उसको, एंड सब जनरल इन्फॉर्मेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या काम करते हो उसके बारे में आप बताते हो, जैसे कि लाइक योर होम टाउन, आपका घर कहाँ पे है, योर जॉब, आप क्या काम करते हो, या आपका अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपकी क्या रुचि है, क्या इंटरेस्ट है, क्या आपको करना पसंद है, किस खेल में ज़्यादा रुचि होती है आपकी। वेन इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ रिमेंबर टू लुक एट द अदर पर्सन एंड स्माइल, जब अपने बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे होते हो तो उसकी तरफ देख के आपको प्रॉपर वे में देख के बताना होता है, और आई कॉन्टैक्ट नहीं ब्रेक करना होता है, कुछ समय बाद ब्रेक करना होता है, जब एक विचार हम ख़त्म करते हैं उसके बाद आपको ब्रेक करना होता है, पॉज करना होता है बीच में। आगे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ के, जैसे इन्हें शेप दी हुई है, आई एम अमन, मैं अमन हूँ, ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति को। आई एम राहुल फ्रॉम आगरा, मैं आगरा से राहुल हूँ। माई नेम इज़ टीना, मेरा नाम टीना है। आई एम इन क्लास 8, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। आई एम अनु, मैं अनु हूँ। आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करती हूँ। दिस इज, अब इसमें इंट्रोड्यूसिंग अदर्स में किस तरह का होगा, दिस इज माई फ्रेंड सोनू, मतलब किसी और व्यक्ति को अपने फ्रेंड के बारे में अगर वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, कर रही है, वो कैसे करेगा, दिस इज माई फ्रेंड सोनू, यह मेरा मित्र सोनू है। वी स्टडी इन द सेम क्लास, बी ए की क्लास में पढ़ते हैं। शी इज़ ए गुड सिंगर, वह अच्छी सिंगर है, अच्छी गायक है। इस तरह से वी कैन इंट्रोड्यूस समवन टू अदर बाय टेलिंग देयर नेम, अब दूसरे का नाम बताकर उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरे पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को। अगर किसी को हमने दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति को से दूसरे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना है, उसका नाम बता के हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो क्या करता है, व्हाट दे डू, हाउ वी नो देम, हम उसको कैसे जानेंगे, अदर पर्सन जो दूसरा व्यक्ति है उस व्यक्ति, उस पर्सन को जिसके बारे में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कैसे जानेंगे, तो उसके बारे में सारा बताना पड़ेगा हमें। और इवन बाय डिस्क्राइबिंग समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट देम, क्या क्या किस चीज़ में उसकी रुचि है उसके बारे में हमें बताना होता है, जैसे आप फिगर में आप समझे। आगे आपका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाता है, सेशन नंबर 10 टॉकिंग अबाउट सेल्फ का मतलब क्या होता है, भाई अपने बारे में बताना। जब अपने बारे में बताता है कोई तो क्या बताता है, सबसे पहले ऐसे इस शेप में देखेंगे जो बना हुआ है, टॉकिंग अबाउट सेल्फ का एक शेप बना हुआ, डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या बताया, माय नेम इज़ अमित, मेरा नाम अमित है। आई स्टडी इन क्लास 9th, मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। आई लाइक हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री को पसंद करता हूँ। आई डोंट लाइक मैथ्स, मैं मैथ को पसंद नहीं करता हूँ। वो अपना अपना इंटरेस्ट होता है कौन सब्जेक्ट को, किसी को पसंद, किसी सब्जेक्ट को पसंद नहीं करता हूँ, किसी को नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन यू मे नीड टू, अब इसमें क्या है, यू मे नीड टू टॉक अबाउट योर सेल्फ ऑन मैनी ओकेशन, स्पेशली वैन यू मीट न्यू पीपल, अब अलग अलग ओकेशंस पे, अलग अलग अवसर पे, कोई भी अवसर हो सकता है, कोई फंक्शन का अवसर हो सकता है, कोई अगर आप स्कूल में जाते हो, स्कूलिंग में हो, तो उसमें वो अलग तरह से आप अपने बारे में किसी
जो साथी आपको उसके बारे में बताते हो, जो फर्स्ट टाइम आपसे मिला है उसके बारे में आप से आप कम्युनिकेट करते हो, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो, अपने बारे में बताते हो। इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा आपका ओकेशन है, उस पर अलग अलग तरह से आप अपने बारे में दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हो और बातचीत करते हो। यू मे ऑल्सो नीड टू फिल फॉर्म विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। कई बार आपको जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हो, स्कूल में एडमिशन लेने से पहले आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है, उसमें सारी आपकी डिटेल होती है, नेम, फादर नेम, एड्रेस, कैटेगरी एंड सो ऑन, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, तब जाके आपको एडमिशन मिलता है। इन दिस लेसन यू विल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब और इंट्रोड्यूस अबाउट इंट्रोड्यूस एंड राइट अबाउट योर सेल्फ। अभी लेसन में आप क्या सीखोगे, आप कैसे अपने आप अपने बारे में बता पाते हो दूसरों को, और कैसे आप लिख पाते हो, लिख के आप दूसरों को कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाते हो। इसमें नेक्स्ट है आपका टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आपने आप कैसे बताओगे, बोल के आप कैसे बताओगे दूसरों को अपने बारे में, उसके बारे में। व्हेन यू मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम दे मे वांट टू नो मोर अबाउट यू, जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो वो आपके बारे में पूरा जानना चाहता है कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, क्या प्रोफेशन है आपका, क्या काम करते हो। यू विल नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बाई टेलिंग टेम अबाउट योर सेल्फ, जैसे आप मैंने फिगर में आपको समझाया वो इस तरह से कोई भी बताएगा अपने आप को, इंट्रोड्यूस करेगा, टॉक करेगा। यू यूजली स्टार्ट बाय टेलिंग योर नेम, पहले नाम बताते हो, देन यू कैन टॉक अबाउट अदर थिंग, दूसरी चीज़ों के बारे में बताते हो, क्या करते हो, आपकी उम्र क्या है, व्हाट डू यू लिव, कहाँ रहते हो, इवन अबाउट द थिंग एक्टिविटी डैट यू लाइक और डिसलाइक, क्या पसंद करते हो, क्या पसंद नहीं करते। और अभी जो सेंटेंसेस का जिन वाक्यों का आप प्रयोग करते हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में, उनमें कुछ नाउन और वर्ब प्रयोग होते हैं। नाउन का मतलब संज्ञा होता है जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को संबोधित करता है, बताता है। वर्ब जो क्रिया है, अभी उस सेंटेंस में जो वाक्य आपने बोला है उसमें क्या क्रिया हो रही है, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है उस नाउन के द्वारा, उसको डिनोट करता है। अब नाउन होता क्या है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड दैट इज यूज फॉर ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन क्या होता है, नाउन में एक नेमिंग वर्ड होता है जो किसी वस्तु व्यक्ति स्थान विचार को प्रकट करता है, बताता है। सब एग्जाम्पल हो नाउन, जैसे अली हो गया, दिल्ली, फुटबॉल, म्यूजिक। वर्ब क्या होती है, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द नाउन डज। जो क्रिया होती है वो क्या बताती है, वर्ब इज ए डूइंग वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द नाउन डज, नाउन जो करता है उसके बारे में क्रिया बताती है। सम एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ब के क्रिया के उदाहरण दें, जैसे प्ले हो गया, किसी वाक्य में जब खेल रहे हैं, खेलने की जो क्रिया हो रही है उसको वर्ब बोलेंगे, प्ले वर्ब हो गया। लाइक, पसंद करना, आई लाइक इट वेरी मच, आई प्ले फुटबॉल। ईट हो गया आपका, आई ईट मैंगो, एंड राइट होगा आपका। नोट दैट सम वर्ब्स विद एन आई एन जी एंडिंग कैन ऑल्सो एक्ट एज नाउन्स। अब कुछ एक जो वर्ब होते हैं, आप क्रिया होती है, आई एन जी से एंड होता है उनका, तो ख़त्म होते हैं, वो भी कहते हैं स्विमिंग हो गया, मैं तैर रही है, तैर रहा है। एग्जाम्पल, वी कैन टॉक अबाउट लाइक्स और डिसलाइक्स यूजिंग नाउन्स, जैसे हम सेंटेंस में वो शी इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग, एंड वी कैन टॉक अबाउट लाइक, हम उसके बारे में हम कुछ उसके क्या क्या पसंद है, क्या क्या नापसंद है, क्या क्या नापसंद है उसको, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें जो पसंद और नापसंद आता है वो नाउन का भी उसमें प्रयोग होता है, वर्ब का भी प्रयोग होता है आई एन जी के। जैसे साइकिलिंग, वो साइकिलिंग करता है, आई स्विमिंग करता है, साइकिलिंग हो गया, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये भी आपका नाउन वर्ब में होता है आपका, ये वर्ब में प्रयोग किया जाता है। आपको टेबल दी हुई है इसके बारे में समझेंगे, जैसे नेम हो गया आपका, नेम आई एम हरीश सेठी, माय नेम इज़ अन्नू, आई एम लकी टीचर, माय नेम इज़ अली। व्हाट दे डू, आई एम इन हाई स्कूल एज, आई एम 15 इयर्स ओल्ड, होम टाउन, आई स्टे इन आगरा। लाइक्स, आई लाइक प्ले चेस। डिसलाइक्स, आई डिसलाइक। समर्स स्ट्रेंथ्स, आई कैन राइट स्टोरीज वेरी वेल। वीकनेस, आई लीव द
टास्क इनकम्प्लीट, मतलब एक सेंटेंसेस हैं अपने बारे में बता रहे हैं, ऐसे सारे अदर सेंटेंसेस भी हैं सेम एज, बाकी बाद में करेंगे।